उनके खलीफा, उनके जानशीन, उनके हमारे देश के अंदर, 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 हमारे देश
एक से दो जान जाते, यहाँ दाहिने हाथ से बाएं हाथ को खबर ना हो, ये कौल है मौला अली का, अगर किसी की मदद करो। पहले तो आप भी जुलूस में शामिल होने आए हैं? तुम दौलत के गुरू से बच जाओ और उसका मुंशी के हिसाब से उठा लो, कहीं वो उसमें दब न जाए। इतना हसीन पैगाम मौला अली का हमारे बीच में है कि आप अगर सामाजिक और सोशल एक्टिविटीज में देखेंगे तो आज भी हम लोग पूछा गए वही कितना छोटा होता जिसमें दो हुजरे हैं, एक छोटा सा शहर अंदर बैठने की एक जगह है आप लोगों को इल्म दिया करते थे, दस दिया करते थे। ये छोटा सा मकान, ये मकान ही बता रहा है कि शासक होने के बावजूद रोटियों पे इत्तेफाकी है। और जब पूछा गया ये अली आप सूखी रोटी क्यों खाते हैं, दिन में तीन ही रुपए क्यों खाते हैं, तो आपने कहा कि मुझे लोगों का रहबर बनाया गया, मैं लोगों का हाजी बनकर आया हूँ और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पीछे चलने वाला कोई ऐसा शख्स हो जिससे बेहतर मेरी सेवा हो जाए, तो मैं उसका रहबर नहीं रह पाऊंगा। मैं कम का रहबर में रखता हूँ कि कम से कम जो खा सके वो तीन लोग में से कम कोई नहीं खाता। ये वो आदिलाना निजाम का आदिल मालिक था जिसे हजरत अली कहते हैं कि एक एक पैगाम अगर आज लोगों तक पहुंचाया जाए, अगर इल्म की दुनिया आज मुहताज देख रही है इसलिए कि आज साइंस की दुनिया परेशान है कि आसमान के रास्ते कितने होंगे हमें मालूम नहीं हो पाया। मौला अली ने 1400 साल पहले कहा था कि जो चाहो मुझसे पूछ लो, इसके कब्र में तुम्हारे बीच से चला जाऊं, मैं जमीन के रास्तों से बेहतर आसमान के रास्तों को जानता हूं। जिसके लिए दुनिया रिसर्च कर रही है, रास्ते ढूंढ रही है, उसे अली ने कहा था अगर चाहो तो मुझसे पूछ लो। इसीलिए कि ईसाई राइटर ने लिखा कि अली के अल्लाह ने अली को बेवक्त भेज दिया जब इल्म की कीमत नहीं थी। आज अगर वो होते तो आज हम उनसे पूछते कि आसमान का रास्ता बता दीजिए, हमें बरसों ढूंढना ना पड़े लैब में जाकर, हमें मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन उस वक्त लोगों ने नहीं पूछा। लेकिन हकीकत क्या थी कि किसी भी मजबूती के लिए जरूरत इस बात की है कि अगर बच्चे को अच्छी तालीम चाहिए तो पहले नर्सरी मजबूत होना चाहिए। अगर नर्सरी मजबूत है तो आगे के क्लासेस उसके मजबूत हो जाएंगे। अल्लाह ने अली की शक्ल में कादुनी को जहालत की तारीकी में भेज कर इनकी बुनियाद अपनी मजबूत रख दी कि जब मजबूत होगी तो फिर आगे वाले इल्म को हासिल करते चले जाएंगे। आज उन्हीं की किताब वहीफा जिसे नहजुल बलागा कहते हैं, अगर उसके खुतबात आज के शासक पढ़ लें, आज के हुक्मरान पढ़ लें तो हुकूमत करने का मिजाज मिल जाएगा। मगरिब के 25 मुल्कों ने बैठ के कॉन्फ्रेंस की, जर्मन के हाकिम ने लाकर एक नुस्खा दिया कि अगर पूरी दुनिया अली के 4.5 साल की हुकूमत को पढ़ ले तो कहीं कोई खराबी होगी, न कोई नफरत होगी, न कोई शासक के खिलाफ कभी आवाम एहतजाज करेगी। कहा क्या खास बात है? कहा अली की हुकूमत में खास बात यह है कि उनकी हुकूमत में कोई फर्क न भूखा सोया न बगैर छत के सोया। यही वो दो मसले हैं पूरी दुनिया के जिसमें उनकी दुनिया आज भी है। इसीलिए मुखालिफत में गरीब सर उठाता है जब उसे रोटी नहीं मिलती। हजरत अली ने बहुत पहले नुस्खा दे दिया था। आज उसी दाते पाक के जन्मदिन पर हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर कुछ पैगाम आप तक पहुँच गए हैं तो ज़्यादा वक्त होता नहीं यहाँ, तो बस इसी बात को तमाम करते हुए कि हमें अगर कोशिश करें हम तो खुतबात मौला अली पढ़ लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि अली की जात है क्या। इसलिए कि हाकिम वक्त की हैसियत से आखिरी हिस्सा अपने गवर्नर को खत लिखा और खत लिख के लिखा कि कभी किसी के बीच मतभेद तासुब न करना, इसलिए कि सब आदम की औलाद है चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो। जब बाप एक है तो आपस में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। तुम आदम के बाप को मानकर अपने को आदम की औलाद मानकर अपने आप को इंसान बनाओ। अगर एक अच्छे इंसान बन जाओगे तो मजहब पीछे हो जाएगा, इंसानियत आगे हो जाएगी। इसी मानवता के पुजारी उनकी शीर्ष से आई इंसान जिसे हजरत अली कहते हैं, आज उसी के जन्मदिन पर हम सब इकट्ठा होकर दुनिया को अमन अमान का पैगाम दे रहे हैं।
आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग गाड़ी के पीछे जाएंगे जैसे जैसे आए हैं। तमाम मोमिन से गुजारिश है कि आप लोग गाड़ी के पीछे जाएंगे शांतिपूर्वक जिस तरीके से आप आए हैं। किसान भाई, हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जुलूस के जलपान के लिए, जुलूस में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था की। हम उन तमाम लोगों का मौजूदा विधायक बहन सईदा खातून और जुलूस में शामिल तमाम लोगों का तहे प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। व्यापार बंधुओं का जिन्होंने किसके साथ आए हो?